दोस्तों, मैंने जब अपना प्रेशर कुकर वाला चिकन बनाया था तो उसमें एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि भरत भाई, कुछ दिनों में आप इससे भी इजी रेसिपी लेकर आओगे, है ना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं वीडियो के एंड में दूंगा कि ऐसा है या नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ये जो मटन करी की रेसिपी है जो मैंने इस वीडियो में प्रेशर कुकर में बनाई है, इससे आसान, इससे इजी और इतनी टेस्टी रेसिपी मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं जब भी रिसर्च करता हूँ तो नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ, और अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सबसे इजी मेथड है। दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे इसको देखकर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। इस मटन की प्रिपरेशन में दोस्तों आपको ना के बराबर मेहनत करनी है। मैंने 4 प्याज लिए हैं यहाँ पर, और प्याज को बस आपने रूट निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, रूट निकालकर बस ऐसे स्लाइसेस में कर देना है। एक पूरी लहसुन मैंने यहाँ पर ली है, बड़ी बड़ी लहसुन है तो उसका फ्लेवर काफी स्ट्रांग होगा, और बिल्कुल उसको रफली चॉप किया है। अगर छोटी छोटी लहसुन होती है ना तो आप इसको काटना भी मत, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप ही गल जाएगी। रही बात अदरक की, तो अदरक फ्रेश लेनी है, काफी सारी लेनी है, पर अदरक को घिसना बहुत जरूरी है या कूटना बहुत जरूरी है। काट के अगर आप डालोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी पूरी डाल दोगे तो अदरक गलेगी नहीं, बस ध्यान देना इस बात का। टमाटर आपने लेने होंगे 4। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाइब्रिड टमाटर होने चाहिए, देसी टमाटर ले लिया तो ये रेसिपी बहुत खट्टी हो जाएगी। और जो 4 टमाटर है उनको बस आप हाफ कट कर देना और रूट निकाल देना। अगेन, जो स्टेम वाला एरिया है ये निकालना बहुत जरूरी है टमाटर से, नहीं तो टमाटर सही से गलेगा नहीं। लास्ट चीज जो आपने लेनी है वो है मटन। इसमें चांप ली है मैंने, थोड़ी सी रान के नली के पीसेस लिए हैं, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर पुट ली है, ये सब पीसेस मैंने लिए हैं, और 1 किलो मैंने मटन लिया है एकदम फ्रेश। तो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरा सजेशन यही होगा कि आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करना, बहुत पंची फ्लेवर आता है। अगर नहीं करना चाहते तो देसी घी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन जो होगा रिफाइंड ऑयल होगा। सरसों का तेल मैंने यूज किया है तो मैंने इसको अच्छे से गर्म कर दिया है। गर्म करने के बाद, धुआं निकलने के बाद गैस को बंद कर दिया था। गर्म गर्म तेल में आप यहाँ पर सबसे पहले लहसुन डालना, लहसुन डालने के बाद आप यहाँ पर प्याज डाल देना। ये तेल इतना गर्म होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप ही ये चीजें रोस्ट हो जाएंगी। फिर इस प्याज और लहसुन की लेयर के ऊपर आप मटन रख देना, और फिर डालना आप अदरक। इसी प्रोसीजर में डालना हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी इसी टाइम पर डालना। रही बात नमक की, तो ये भी इसी टाइम पर डाल देना। सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक एक चीजों को आप इस टाइम पर अच्छे से मिला दो, ताकि लहसुन जले ना, प्याज जले ना, और सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि तेल तो गर्म है ना। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं टमाटर, ऐसे बड़े बड़े पीसेस में ही बिल्कुल, और उनको हल्का सा मिलाकर ढक्कन लगा दिया है। गैस को रखा है मीडियम फ्लेम पर, और कितनी सीटी दी है, मेरे कुकर के हिसाब से मैंने 4 सीटी दी है। अगर आपका मटन एकदम फ्रेश है, अगर आपका कुकर मटन जल्दी गलाता है, या अगर आप जो मटन यूज कर रहे हो थोड़ा छोटा या कम वेट का है, तो आपका मटन बहुत जल्दी गल जाएगा, यानी कि 2 या 3 सीटी में भी काम हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान देना कि आपका प्रेशर कुकर कैसे मटन को पकाता है, और ऑन एन एवरेज मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आप दे देना, काम हो जाएगा बढ़िया सा। 4 सीटी बाद आप क्या करना, गैस को बंद कर देना। अभी आप सोच रहे हो कि हो क्या रहा है, बताता हूँ मैं अभी आप देखते जाओ। 200 ग्राम आप दही ले लेना, और उसमें आप गरम मसाला मिला देना। ये दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, और मैंने जानबूझ के गरम मसाला मिलाया है ताकि दही को जब हम पकाएंगे तो फटे ना। इतनी देर में जब आप वापस किचन में आओगे, कि अभी तक तो किचन में आप खड़े ही नहीं थे, सीटी वीटी लगी थी, आपने गैस बंद कर दी थी, तो फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा पूरा और आप कुकर खोलोगे तो देखो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। टमाटर जो है वो इतने गल चुके होंगे कि वो अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सारे टमाटरों की स्किन निकाल दो, क्योंकि ये कभी नहीं गलने वाली ग्रेवी में, ध्यान देना इस बात का। हर एक टमाटर की आप स्किन निकाल देना। रही बात मटन की, तो आप देख सकते हो कि मटन लगभग 60-70% पक चुका है। अगर बहुत ही छोटा या फ्रेश मटन होगा तो दोस्तों ज्यादा गल जाएगा इस टाइम पर, ध्यान देना। अगर पुराना और बड़ा मीट होगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उस हिसाब से 4 सीटी बोली है। इससे पहले कि आपको कोई कंप्लेंट हो या बनाते हुए कोई भी दिक्कत आए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि शुरुआत में मैंने मटन डालते वक्त पानी बिल्कुल नहीं डाला था। मैंने आधा कप तेल यूज किया है जान बुझ के, ताकि मटन बिल्कुल भी ना जले, और बाकी टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, प्याज छोड़ेगा, मटन छोड़ेगा, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाय चांस आप कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, या आपको डर लगता है कि हो सकता है कि प्रेशर कुकर में मटन जल जाए या कुछ नुकसान हो, तो आप इंश्योरेंस के लिए
आधा कप पानी शुरुआत में डाल सकते हो प्रेशर कुकर में, ताकि मटन जले ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब करना क्या है। अब आपने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है और शुरुआत में ही एक किलो मटन है मेरा, तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इस टाइम पर मीट मसाला डाला है। अपनी पसंद का, अपना फेवरेट ब्रांड आप मीट मसाला का यूज करना। और अब आपने करना ये है कि ये सारा पानी आपने रिड्यूस करना है। तो मैं तो ढककर पकाता हूँ, आप खुले में भी पका सकते हो। ढककर पकाने का बेनिफिट ये होता है कि मटन और भी गल कर आता है। तो डिपेंड करता है आपको कैसा टेक्सचर चाहिए। रही बात प्याज लहसुन टमाटर इन सब चीजों की, तो ये इतने नरम हो चुके हैं कि इनको हल्का सा भी टच करूंगा ना तो पेस्ट बन जाएगा। तो ना मिक्सी की जरूरत है, ना घंटों तक पकाने की जरूरत है। प्रेशर कुकर का पूरा इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, और फ्लेवर भी A1 आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी आप भुनते जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, सारा पानी जो है वो उड़ जाएगा और मटन जो है वो इस टाइम पर लगभग गल ही जाएगा। 80% आप कह सकते हो गल जाएगा, 80-90%, बल्कि हो सकता है पूरा ही गल जाए। एंड में आपने यहाँ पर अब दही डालनी है, और याद रहे दही में गरम मसाला भी है, और दही को भी आपने तब तक पकाना है जब तक दही का सारा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। ये सब करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट और लगेंगे। अगर आपका मटन नहीं गला है तो आप ढककर पकाना, अगर आपका मटन गल चुका है तो आप खुले में पकाना। ध्यान देना इस बात का। थोड़ी देर में ही 10 मिनट में ही आप देखोगे कि तेल बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगा और मटन बहुत सॉफ्ट हो चुका होगा। दोस्तों ये ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। मसालों का कॉम्बिनेशन, प्याज की स्वीटनेस भी आ जाएगी और टमाटर का खट्टापन भी होगा। आप देखो तेल काफी हद तक अलग हो चुका है और मटन का कलर बहुत ही अमेजिंग आया है ना दोस्तों। तो अब आप एंड में डालना मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो कि है कसूरी मेथी, इसके बिना तो बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। लेकिन ये चीज जरूर करना कि आप एंड में कटी हुई बड़ी बड़ी हरी मिर्चियां मिलती है मार्केट में, वो डालना। ये ना खुशबू का काम बहुत अच्छा करती है। अगर ये आप नहीं डालना चाहते तो खुशबू से अगर आपको बैलेंस करना है तो आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा बैलेंस मिल जाएगा इसको। मैंने बस एंड में ग्रेवी बनाने के लिए गरम गरम पानी डाला है लगभग 1.5 कप के आसपास, और थोड़ी देर तक इस पानी को रजने दिया है मटन के साथ। रजने कैसे दिया है, बेसिकली ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट तक बॉईल होने दिया था एकदम लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था और एकदम अमेजिंग सी मटन करी आपको मिलेगी दोस्तों प्रेशर कुकर में। ये इतनी टेस्टी है और मटन इतना परफेक्ट बनता है कि कोई भी इसको बना सकता है। धनिया और 2 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी वाली अगर हो तो ये डाल देना अगर आपको मिर्चों का फ्लेवर चाहिए, और इन सब चीजों को मिला देना, अलग ही खुशबू आती है दोस्तों। और अभी एंड की बात रहती है कि आपको आंसर देना था कि मैं ऐसे क्यों करता हूं, तो पहले मैं आपको मटन की ग्रेवी दिखा देता हूं। बार बार मैं इजी रेसिपीज पे क्यों इतना काम करता हूँ, ये सिर्फ मेरी हेल्प नहीं करती, सबकी हेल्प करती है जो बैचलर हैं, जो कुकिंग सीखना चाहते हैं। रिसर्च करने का एक एक चीज पे उसमें अलग ही मजा आता है दोस्तों। आप ऐसी ही इजी चिकन की रेसिपी देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करना, आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।